अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, मेरा नाम सैयद जावेद है और मैं पेशे से एक बिजनेस मैन हूँ। मेरा सवाल आप टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे कि अभी जो आपने आपके बयान में बताया कि तलाक इस तरह के उसके स्टेप्स है, और मैं समझता हूँ कि आज अपने इस बरे सगीर में 80% से 90% लोग इस तलाक देने के जो मसले उसको नहीं जानते। तो मेरा यानी ये सवाल है कि क्यों ना जैसे कि हम नमाज पे, जकात पे और इस तरह पे हमारे बहुत सारे यानी सीरत पे जो बयान होते हैं, तो तलाक पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यानी बयानत जुमा के खुतबात में और इसी तरह और अपने जहाँ भी यानी दीनी इस्तेमाल होते हैं, और हमारे तमाम मकतब फिक्र उलमाओं को मेरी यानी एक तरफ से गुजारिश रहेंगी कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा किताब व सुन्नत की रोशनी में जो है तो लोगों की रहनुमाई करें। और दूसरा यानी इसी के साथ में ये जैसे आपने बताया कि किसी की नियत एक तलाक की देने की हो, लेकिन उसे लाइलमी में उसको पता ही नहीं था कि तलाक कैसे दी जाती है, उसको तो ये माशरे के हिसाब से मालूम पड़ता है कि 3 बार देने से तलाक होती है, तो फिर उस शख्स का कैसा मतलब तलाक का क्या मसला रहेगा। भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि अगर कोई शख्स है और उसने लाइलमी में समाज में चूंकि तलाक लोग इसी तरह देते हैं, एक साथ दे देते हैं 3, अगर दे दिया हो तो इस शख्स का क्या मामला होगा। तो देखिए, अगर किसी शख्स ने लाइलमी की बुनियाद पर या उसकी नियत नहीं थी और लाइलमी की बुनियाद पर उसने अगर एक मजलिस में 3 तलाक दे दिया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के मुताबिक जो है, आपके कहे के मुताबिक, आपकी सुन्नत के मुताबिक, वो एक ही तलाक मानी जाएंगे। जैसे कि रुकाना बिन अब्द यजीद रजी अल्लाह अन्हु ने जो अपनी बीवी को तलाक दी, बहुत गमजदा हुए, गमगीन होकर फौरन दौड़ते हुए आए कि अल्लाह के रसूल दे दी इस तरह से, आपने कहा किस एक मजलिस में, तो कहा तो कहा फिर ये एक ही तलाक हुई। तो इस बात को भला समझने की जरूरत है कि वो तलाक एक ही मानी जाएंगी अगर उस शख्स ने, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ मारूफ है, तलाक बोले तो 3 बार देना, उसको नहीं पता था कि एक बार ही है, उसकी नियत लेकिन एक ही, तो इंशाल्लाह उसको एक ही तलाक माना जाएगा, उसके बाद उसको रुजू का पूरा मौका है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि